Yes, but we had discussed already, you had done about the bone and sorry, tendons and ligaments. Just give a quick review. Tendons and ligaments comes under which tissue? Dense regular connective tissue. What is the ये connective tissue में हम लोग discuss कर रहे हैं. Connective tissue का एक further subtype हम कर रहे हैं, that is dense regular connective tissue. What is dense regular connective tissue? Already we discussed. Dense means that is the compactly arranged. जब चीजें बहुत ज्यादा डेंस होती हैं, कंपैक्ट होती हैं, दैट इज कॉल्ड द डेंस. ठीक है, दैट मींस जो सेल्स हैं इसमें कंपैक्टली अरेंज्ड हैं. रेगुलर, एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर अटेंडिंग लाइक फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, रेगुलर है. एक पैटर्न के बाद सेकंड पीरियड है 40 मिनट्स पर, तो पैटर्न होता है, दैट इज कॉल्ड द रेगुलर. यानी कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एक कंपैक्टली अरेंज, एक सिस्टमेटिकली एक पैटर्न में अरेंज है सेल्स, दैट इज कॉल्ड द डेंस रेगुलर connective tissue. This is further of two types, tendons and ligaments, right? इसमें हमने दो चीजें करी थी, one is tendons, right? And second one is ligaments. What is the difference between the tendons and the ligaments? Now you will tell me. Already all of you had done it. Just give me the quick review of this. Tendons joins bones with the bones with muscle, and ligaments bones with तो ये उसकी क्या हो गई. What is this first point comes under? That is the location where these are present. These are present कहाँ पे? Bones with the muscles, and these are present bones with the bones. यानी कि joints पे क्या present है? What is present over here? लिगामेंट्स. ठीक है, अगर आपको याद हो तो ऊपर आपने स्केलेटन सिस्टम में एक फुट का स्केलेटन भी पड़ा है अलग अलग, तो आपने देखा उसके अंदर जो होते हैं दैट आर द टेंडन्स, जो बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ रहे हैं. लिगामेंट्स दैट इज द जॉइंट्स, ये बोन और इस बोन को जोड़ने वाला ये पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द लिगामेंट. ठीक है, क्लियर? ये उसकी क्या हो गई? ठीक है, बट इज द अदर पॉइंट इलास्टिक. That means ये उसकी क्या बात कर रहे हैं हम? स्ट्रक्चर. ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रक्चर. दीज आर इलास्टिक, सो दीज आर नॉन इलास्टिक और ये इलास्टिक भी है, एंड क्या कहते हैं, फ्लेक्सीबल है कि नॉन फ्लेक्सीबल है? बोलो, सोच लो. दीज आर टफ, ये रिजिड होते हैं. दीज आर टफ रिजिड विद लिटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है. ये नॉन इलास्टिक है, उल्टा लिखवा रहे हो. देन अदर पॉइंट टफ, दीज आर टफ रिजिड. टफ और रिजिड वन ऑफ द सेम थिंग, लाइक हम टफ भी लिख सकते हैं रिजिड. ठीक है, टफ रिजिड, फिर दीज आर वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट? लिख लो. देन अनदर पॉइंट मैट्रिक्स, कैसा होता है यहां पे? मैट्रिक्स इज मोर, मैट्रिक्स इज लेस. अच्छा, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ टिश्यू इज सॉरी फ्लूइड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, फ्लूइड ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. देन अनदर पॉइंट व्हाट वी हैड डिस्कस, दीज अकर इन अ रो, अकर इन अ रो. And these are क्या हुआ?
दीज अक्कर इन ये रो में अक्कर करते हैं, दीज लाइज स्कैटर्ड, आपने लिगामेंट बनाया था ना, मतलब उसमें आपको बताया कि दीज लाइज स्कैटर्ड, देन और क्या पॉइंट है, फाउंड एट द और ये वेयर दे विल फाइंड फाउंड इन जॉइंट्स, और आपने क्या बोला था, मॉडिफिकेशन ऑफ वाइट फिब्रस टिश्यू, and this is the modification of both, modification of that is white and yellow fibrous tissue. Any other फाउंड है, लिख सकते हो फाउंड है सिंगल यूनिट, और दूसरी तरफ फाउंड इन ग्रुप्स. एनी अदर पॉइंट, इट हेल्प्स इन द मूविंग द बोन इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, एंड व्हाट इज इट विल डू, लिगामेंट्स अलाउ द मूवमेंट इन द बेंडिंग एंड रोटेशन, लिगामेंट्स अलाउस द, लिख दू, इट हेल्प्स इन it helps in moving the bone on theek hai, and that is help in the allows the ligaments hote they allow bending and rotation, bending and rotation of the movement over a joint, bending and bending and rotation or rotation of movement over a joint. हाँ, एनी अदर, ओके है, ठीक है, एक पॉइंट आपको लिखवा दिया मैंने, फिब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन द रोज, फिब्रोब्लास्ट्स आर स्कैटर्ड, ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है, इसके बाद नेक्स्ट टिश्यू आ जाएगा, दैट इज द स्केलेटल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में अगला कौन सा है, स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल का मतलब क्या है, that provide the framework to your body, that is the connective tissue, जो हमारी body में connective tissue है, which is solid, है ना, हमारी skeletal solid है, connective tissue in which the matrix is solid, ठीक है, and the living cells occur in it, जो skeletal है, skeletal solid, मतलब matrix is solid, जिसके बीच में living cells जो है वो occur करते हैं, fluid filled, उसको हम बोलते हैं lacuna, आपने word लिखा हुआ है ये, है ना, next लिख लीजिए skeletal tissue, जिसको दूसरा नाम हम बोलते हैं स्पोर्टिव, स्केलेटल टिश्यू, स्पोर्टिव
supportive connective tissue. ठीक है, अब हमारे पास जो स्केलेटन होता है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, फ्रेमवर्क देता है, प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी को, शेप मतलब उसमें आ जाता है. अब जो स्केलेटन है इट इज अगेन लाइक इफ वी विल टॉक अबाउट, तो इट इज टू टाइप्स. ठीक है, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. एक्सो एग्जिट है ना, बाहर वाला, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं हेयर, नेल्स, इन सम ऑफ द एनिमल्स हॉर्न्स आर प्रेजेंट, बर्ड्स में फेदर्स हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सो, जो बाहर प्रेजेंट है. स्केलेटन में हमारे पास अगर हम बात करें ये दो में चला जाता है, एक्सोस्केलेटन एंड एंडो. एंडो मींस एंटर, अंदर वाला. ठीक है, अब एक्सोस्केलेटन में हमारे पास आ जाते हैं हेयर, नेल्स, बर्ड्स के केस में फेदर्स, और कुछ एनिमल्स के केस में हॉर्न्स होते हैं. ठीक है, तो दीज आर द एक्सोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड. एंडोस्केलेटन में हमारे पास फिर दो तरह से आ जाते हैं एंडो, जो हमारे अंदर प्रेजेंट है. वन इज कॉल्ड बोन एंड सेकेंड इज कॉल्ड कार्टिलेज. वन इज बोन एंड अदर वन इज कॉल्ड कार्टिलेज. एक्सो हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे, राइट, जिसमें हमारे पास बाहर स्केलेटन के क्या है, हेयर, नेल, बर्ड्स में फैदर्स हैं, सम एनिमल्स में हॉर्न्स हैं, स्पाइंस हैं, दीज आर द एक्सो. एंडोस्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ऑर्गेनिज्म, दैट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, बोन एंड द कार्टिलेज. अब बोन एंड कार्टिलेज वी विल डिस्कस सेपरेटली. ठीक है, सो बट वी विल डिस्कस इन अंडर दिस बोन एंड कार्टिलेज. डायग्राम आप लोगों ने बना लिया था, राइट, आई एम जस्ट अगेन, क्योंकि डिफरेंस हम कर चुके हो आप लोग, लिखे हैं ना, एक बार सिर्फ बता देती हूँ. बोन में आपने ये करा था डायग्राम, ठीक है, जिनका रह गया होगा, दिस दीज आर द, व्हाट आर दीज कॉल्ड, सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड द हेवर्जियन कैनाल्स. इसके बाहर क्या होती है, कंसेंट्रिक रिंग्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स, what is the meaning of concentric rings, concentric rings means those which are having the same center but different radii. aap compass lete ho, ek circle draw kara, theek hai, compass wahi pe hai, dusra circle draw kara, theek hai, again third, so what we are doing, center is same but the radii is different, that is called concentric rings. ठीक है, अब इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, बोन सेल्स आर प्रेजेंट ऑन इट. ठीक है जी, what are these rings called when the bone cells are present on it? ये है थोड़े ना, व्हाट आर दिस कॉल्ड, दिस इज हेवर्जियन कैनाल, एंड दिस इज ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट्स मींस बोन सेल्स. ऑस्टियो मींस बोन, साइट्स मींस सेल्स. अब ये जब कंसेंट्रिक रिंग्स में दीज बोन सेल्स आर अरेंज्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड, बोन सेल्स जब अरेंज है, यस एनीवन, व्हेन द बोन सेल्स अरेंज्ड, ये जो बोन सेल्स हैं ये अरेंज है कंसेंट्रिक रिंग्स में, ठीक है, इन द कंसेंट्रिक रिंग्स, इसको क्या कहते हैं, लैमेली, एल ए एम ई एल एल ए ई, लैमेली लिखवाया होगा मैम ने, यू विल राइट डाउन. फिर बोन सेल्स अक्कर इन कंसेंट्रिक रिंग्स, पूरी लाइन लिख लो, बोन सेल्स अक्कर इन कंसेंट्रिक रिंग्स, और इनका नाम क्या है, लैमेले, प्लूरल है,
लेयर्स को बोलते हैं. लैमेले मीन्स व्हेन दीज आर अरेंज इन द लेयर्स. दीज लेयर्स आर कॉल्ड द लैमेले, कंसेंट्रिंग रिंग्स और लैमेले अराउंड द हेबर्जियन कैनाल. ठीक है जी, क्लियर है? हेबर्जियन कैनाल, हाँ कह सकते हैं. ठीक है, अब हेबर्जियन कैनाल्स में क्या होता है? आपको डिफरेंस वाले पॉइंट में मैम ने एक पॉइंट लिखवाया होगा कि दीज आर हैविंग द ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज आर नॉट हैविंग. सो हेबर्जियन कैनाल्स, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व्स होती है. ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट कि नहीं? एंड व्हाट इज लैकुना, व्हाट इज लैकुना ओवर हियर? लेफ्ट स्पेस, द स्पेस दैट इज प्रेजेंट, या यू कैन से जो फ्लूइड आप बात कर रहे हो, that is a tissue which consists of a fluid, solid matrix with a fluid called the lacuna. ठीक है जी, any doubt? ठीक है, location कहां पे है इसकी? Bones are present throughout the body and function. फंक्शन व्हाट बोन विल डू बेटे? इट फॉर्म्स अ स्पोटिक फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड शेप, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड मूवमेंट, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स. बोन्स क्या कर रही है? स्केलेटल सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इट प्रोवाइड्स अ, या इट फॉर्म्स अ स्पोटिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, इट गिव्स द स्ट्रक्चर टू द बॉडी, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट, it gives shape, provide or protect the internal organs. ठीक है जी, then second हमने करा cartilage. second क्या करा था? cartilage. cartilage को हम क्या बोलते हैं? soft bones. ठीक है, अब cartilage का diagram मैम ने आपको ऐसे करवाया है, यहां पे all here is present. What is present over here? Matrix. Now where are the lacunae are present? What is lacuna or kahan present hai? Matlab pehle cartilage ki presence kahan hai? Cartilage kahan present hai? Nose tip, ear pinna. राइट, नोज टिप, ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेज. ठीक है, विच कैन इजिली बेंट. ठीक है, तो यहाँ पे अब बीच में ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के बीच में खाली स्पेस है, दैट इज लैकुना. इस लैकुना के अंदर सेल्स है, आप 1 to 4 कोई भी है ना, आपने 4 सेल्स इसके अंदर बना लिए. क्लियर? स्पेशल सेल्स इसके अंदर कौन से होते हैं? यहाँ पे स्पेशल सेल ऑस्टियोसाइट्स, यहाँ कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज विद इन द लैकुना, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ये रे कॉन्ड्रोसाइट्स विच इज अरेंज विद इन द लैकुना. हियर इट इज अ मैट्रिक्स. What is the outer boundary is called? Peritoneum. Any other point? Chondroblast भी कह सकते हैं हम इनको, chondroblast and the chondrocytes. ठीक है, matrix, peritoneum. अब इसकी structure क्या है? What is the structure of the cartilage? Flexible. ठीक है, फ्लेक्सिबल स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. मैट्रिक्स हैज वेल डेवलप्ड स्पेस, फ्लूइड फिल्ड विद हैविंग द 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स इन इट. ठीक है, लोकेशन नोज टिप, ईयर पिन्ना. क्लियर है? ठीक है जी, और कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? एक वैसे आपकी बुक में नहीं है, बट इन सम ऑफ द फिशेज, लाइक कुछ फिशेज होते हैं जैसे शार्क वगैरह में, कई जगह पे पूरी की पूरी बॉडी कार्टिलेज की होती है. ठीक है, वो कार्टिलेज होती है, सॉफ्ट होती है उनकी. ठीक है, फंक्शन क्या है? What are the functions of the cartilage? Provide support and flexibility.
और क्या लिखा है? एनी अदर पॉइंट बच्चे जो आपने लिखा है उसी में डिफरेंस में फंक्शंस कहाँ है? व्हाट इट विल गिव? फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी पार्ट्स। ओके ठीक है, डिफरेंस आपने लिखा हुआ है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, दैट इज फ्लूइड टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमने सबसे पहले क्या किया था? एरियोलर, फिर एडिपोज, तीसरा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ, फिफ्थ वन इज फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड मींस जो चीज फ्लो कर रही है, ठीक है, थिंग्स दैट कैन फ्लो। तो इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है।